फ्रांस ने फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्य देने की बात की है। पिछले कुछ दशकों से भारत लगातार ये मांग करता रहा है। गाहे बगाहे अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भारत को स्थायी सदस्य देने का समर्थन भी किया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इससे भारत कितना ताकतवर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत इसके मूल संस्थापक सदस्यों में है, यानी जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, भारत उनमें एक था। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 सदस्यों को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई, जिन्हें वीटो पावर भी मिला। कहा जाता है कि उस समय भारत को भी स्थायी सदस्यता ऑफर हुई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हालांकि इसे लेकर विवाद है। 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जे एन पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था, यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो क्या होगा, कितना ताकतवर हो जाएगा भारत? इन सवालों का जवाब विशेषज्ञों की नज़र से देखें तो उनके मुताबिक भारत के पास एक ऐसी वीटो पावर आ जाएगी जिससे काफी हद तक एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। दुनिया में यकीनन भारत का दबदबा और ताकत दोनों बढ़ेगी। तब भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या नहीं मानता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपने ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। अगर भारत के पास वीटो पावर होती तो काफी हद तक न केवल पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों बल्कि चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर अड़ंगेबाजी लगती है। चीन और पाकिस्तान को हमेशा ही आशंका सताती रहती है कि भारत न केवल कभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मीटिंग बुला सकता है बल्कि इस मामले पर प्रस्ताव भी ला सकता है, जिसे मानना सभी देशों के लिए एक बाध्यता होती है। अब तक एशिया में केवल चीन के पास ही ये ताकत है। ये वो ताकत है जिसके जरिए आप दुनिया को लेकर किए जा रहे कई फैसलों को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसमें आपकी ताकत जाहिर हो। इसे इस बात से भी देखा जा सकता है कि साल 2009 में भारत ने पहली बार जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती के चलते चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। पिछले 9 सालों में चीन ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोका। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तब पाकिस्तान को भी ये डर रहता कि उसे पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा है जो वीटो पावर से लैस है। लिहाजा पाकिस्तान इस समय आतंकवाद की जितनी हरकतें कर रहा वो करने से पहले उसे 10 बार सोचना जरूर पड़ता। चीन को भी पाकिस्तान का साथ देने से पहले कई बार सोचना पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तब भारत का कद ही अलग होगा। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में जिन 5 सदस्य देशों को स्थायी सदस्यता दी गई है उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन शामिल है। इन सभी के पास वीटो पावर है।